अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग बहादुर बाइट्स के एपिसोड 6 में आज हम आए हैं मॉल्टन बी में मौजूद सादिक भाई दही बल्ले। तो यहाँ के बहुत फेमस दही बल्ले हैं, तो हम आपको दिखाते हैं किस तरह के। मैं बहुत लॉन्ग टाइम बाद खा रहा हूँ, लेकिन आज हम इनकी प्लेट चेक करते हैं और उसका आपको ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं। माया तेरे देखने नू चुक चरखा गली दे विच डावा ए माया तेरे देखने नू चुक चरखा गली दे विच डावा ए लोगा परने मैं कट दी तांग तेरी आया दे। तो यार फाइनल जो है हमारे दही बल्ले आ चुके हैं, अब हम इसकी फर्स्ट बाइट लेते हैं। जरा क्लोजअप शॉट दिखाना। अब हम इसकी आपको फर्स्ट बाइट लेके दिखाते हैं और इसका ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं कि किस तरह के। मैं बहुत लॉन्ग टाइम बाद खा रहा हूँ, तो हम ट्राई करते हैं। फर्स्ट बाइट में बताने लगा अगेन सॉफ्ट दही बल्ले हैं। आप फर्स्ट बाइट लेते हैं और मुंह में इसके ऊपर जो इन्होंने स्पेशल इनकी पापड़ी डाल के दिया, उसका जो है क्रिस्पीनेस उसकी फील होती है और दही बल्ले जो मुंह में है ना मेल्ट हो रहा है। मैं आपको रेकमेंडेड है, 100% रेकमेंडेड है। जब भी आप भावलपुर हैं या भावलपुर से अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो सादिक भाई दही बल्ले मॉल्टन बी। माया तेरे देखने नू चुक चरखा गली दे विच डावा ए माया तेरे देखने नू जस्ट यू कैन लाइक मजेदार मजेदार कबाब मैंने वैसे तो खा लिया हमने एक मीठी चटनी के साथ। आपको पता है मीठी चटनी जो है हमारा लव है, मीठी चटनी के साथ ट्राई करते हैं। हम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। मीठी चटनी के साथ तो गेम जो है नेक्स्ट लेवल। अब ये खत्म करते हैं उसके बाद फिर आपसे बात। तो यार हमेशा की तरह मेरे रिव्यू तो आपने ले लिया, अब हम लेते हैं मोमिन भाई के रिव्यू। लेकिन आज हमारे साथ मोमिन भाई के साथ साथ हमारे साथ हैं हमारी दोस्त जमाल अब्दुल भाई। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सुनाए, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो आपसे भी अभी रिव्यू लेते हैं हम, ठीक है। टाइम आप भी फर्स्ट टाइम ट्राई करें सादिक भाई के? हाँ, तो मेरी रिकमेंडेशन पे आप एक दफ़ा ट्राई करें और बताएं। बहुत सारी बहुत मज़ेदार मज़ेदार ठीक। अब आप बताएं। मजा आया। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, क्या हाल है? सलाम, क्या हाल है? ठीक है अंकल जी, दही बल्ले बहुत ज्यादा मजे के थे। बड़े मेहरबानी। तो कब से लगा रहे हैं आप ये? तकरीबन 25 साल हो गए। हम बहुत लॉन्ग टाइम से, मैं छोटा सा था जब से मैं आपको देख रहा हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, 25 साल हो गए तकरीबन इसी रोड पर मॉल्टन भी। सही सही, आपका ही काम है मतलब या अब्बू से इस तरह? नहीं नहीं, मैंने शुरू किया था, मेरा बेटा भी होता है यहाँ पर। सही 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 सही, तब मैं होता हूँ, मेरा बेटा होता है, एक बच्चा हो रहा होता है हमारे पास। और ये मीठी चटनी का क्या राज है? सर मीठी चटनी ओरिजिनल होती है। अच्छा, बिल्कुल जेन्युइन बनाते हैं, खुबानी होती है और इसमें चीनी डालते हैं और इसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं होती। सही बिल्कुल, चलें ठीक है जी, ओके बढ़ेंगे सर। तो यार फाइनली जो हमने दही बल्ले खा लिए बहुत ज़्यादा मज़े के थे। अब आप प्राइस रेंज में आपको बताता हूँ कि कितनी है, प्राइस रेंज का मतलब प्राइस कितने हैं इसके। तो यार इनके कोई ज़्यादा बड़ी छोटी प्लेट वाले हिसाब में एक ही प्लेट है और वो अकेले एक बंदे के लिए जिसकी नॉर्मल खुराक हो उसके लिए बहुत है, काफ़ी है। अगर आपकी अच्छी खुराक है तो आपके लिए दो बहुत है, लेकिन एक से काम चल जाता है। तो इनकी प्राइस है 130 रुपीज़।
जो मेरे हिसाब से जो है बहावलपुर में या पाकिस्तान में अगर आप इंडिया से वीडियो देख रहे हैं जो नॉर्मल प्राइस है, कोई इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, ठीक है। 130 की प्लेट में अगर आपको इतनी अच्छी चीज़ मिल जाती और इतने अच्छे दही भल्ले खाने को मिल जाते तो और क्या चाहिए आप। तो बस आज की वीडियो में इतने तक, उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, देखते हैं आपको कहाँ लेके चलते हैं। जब तक अपने भाई को अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।